जैन फ्रेंड जॉब सर्च यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MH जबलपुर सेंट्रल कमांड की वैकेंसी जो आउट की गई थी, जिसमें आपकी कुक की 4 पोस्ट थी और वार्ड सहायिका की 84 पद पर ये वैकेंसीज आउट की गई थी। तो वार्ड सहायिका के लिए ओनली फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते थे, तो उन्हीं के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत सारे कैंडिडेट के अभी तक आ भी रहे हैं एडमिट कार्ड, और किसी के एडमिट कार्ड नहीं भी आए हैं। तो उनके बारे में कंप्लीट इसमें जानकारी लेने वाले हैं, और कितने परसेंटेज पर आपके एडमिट कार्ड जारी किए जा रहे हैं, और आपके जो एग्ज़ाम है उसमें कितने करीबन आपके कैंडिडेट आने वाले हैं। जो पीछे की 2 एग्ज़ाम हुई हैं MH MNagar और आपकी MH चंडी मंदिर में जो एग्ज़ाम हुई थी, उन दोनों में कितने कैंडिडेट आपको देखने को मिले थे और कितना कंपटीशन आपका वहाँ रहा था, उसी हिसाब से इस पर भी आपको चर्चा करने वाले हैं। जबलपुर में कितना कंपटीशन आपका रहने वाला है, और कई कैंडिडेट ये भी पूछ रहे थे कि सर वहाँ पे एग्ज़ाम देने जाएँ कि नहीं जाएँ, क्या आपके उसमें कहना रहेगा। तो इसमें कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में लेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखें। स्क्रीन पे आप एडमिट कार्ड देख सकते हैं जो कि कल ही रिसीव हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं वार्ड सहायिका एंड कुक का एडमिट कार्ड है। पहले में भी मैंने वीडियो बनाया था जिसमें आपका एडमिट कार्ड मैंने कैंडिडेट का दिखाया था, जिसमें आप देख सकते हैं वार्ड सहायिका के एडमिट रोल नंबर आप देख सकते हैं। इसमें 1422 रोल नंबर है आपके जारी किए गए हैं। तो आपके जो रोल नंबर हैं वो एक एक नंबर से स्टार्ट होकर 1422 तक आपके पहुँचे हैं। पोस्ट आपकी वार्ड सहायिका देख सकते हैं। आपका जो बुलाया गया है एड्रेस हुआ है आपका आर्मी पब्लिक स्कूल, आपका नंबर 1 जबलपुर में बुलाया गया है। आपका 25 तारीख का इनका एग्ज़ाम रहने वाला है, 7:30 बजे रिपोर्टिंग टाइम, 9:30 बजे आपका गेट क्लोजिंग टाइम होगा, 10 से 12 बजे तक आपका रिपोर्टिंग चलेगा। बाकी की इंस्ट्रक्शन आप पढ़ सकते हैं, उसके कंप्लीट आपको मैंने बताए थे। ID वगैरह आपको लेके जाना है, कोई भी एक ID आपको लेके जाना होगा, एडमिट कार्ड लेके जाना होगा, राइटिंग पैड वगैरह आपको साथ में ले जाना होगा, ब्लैक पेन लेके जाना होगा, और जो भी कैंडिडेट हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शन पढ़ के जा सकते हैं। पूरे कंप्लीट आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम वगैरह आपको नहीं लेके जाना होगा, कोविड की पालना करनी होगी। इसके बाद में आपको मैं बताऊं कि जो रोल नंबर आप देख सकते हैं, इसमें रोल नंबर जो जारी किए गए हैं 1422 रोल नंबर जारी किए गए हैं, जो कि कल की डेट के जो एडमिट कार्ड रिसीव हुए थे उनमें ये 1422 रोल नंबर देखने को मिले हैं। एक कैंडिडेट और मिले हैं जिनका एडमिट रोल नंबर आपका 1522 रोल नंबर उनके, या 1622 ऐसे कुछ रोल नंबर उनके आए हैं लिखकर। तो आप देख सकते हैं जो भी कैंडिडेट होंगे, मिनिमम कैंडिडेट आपके अभी तक भी एडमिट कार्ड बहुत सारे बचे हैं और पोस्ट ऑफिस में भी अभी तक वो आ रहे हैं। तो अभी आने में करीबन आपको 5 से 6 दिन और लगने वाले हैं। तो आपके एडमिट कार्ड पहुँचते पहुँचते आपका जो ये रोल नंबर 2000 से ऊपर पहुँचने वाला है। तो जितने भी कैंडिडेट पिछली एग्ज़ाम दी हैं तो उनकी बात करें, मंदिर में करीबन 700 से 800 कैंडिडेट जो अवार्ड सहायिका के देखने को मिले थे, जिसमें आपकी 51 पोस्ट पे ये थे। उसके बाद में MH MNagar में आपकी वैकेंसी थी जिसमें 56 पोस्ट पे ये वैकेंसी थी, जिसमें आपके करीबन कैंडिडेट 600 से 700 कैंडिडेट आपको देखने को मिले थे। तो आप देख सकते हैं कंपटीशन बहुत ही हाई रह रहा है। ये ना सोचें कि बिल्कुल ही कैंडिडेट ने फॉर्म फिल ही नहीं किए हैं और बहुत ही कम कैंडिडेट वहाँ पे आएंगे और जल्दी जाते ही आपको जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। और कैंडिडेट भी बहुत ही ज़्यादा जो आपके स्किल्ड कैंडिडेट वहाँ पर आ रहे हैं। आप अहमदनगर की कट ऑफ की बात करें तो कैंडिडेट के कट ऑफ 110 से ज़्यादा रही है, 150 में से माइनस मार्किंग होने के बजाय बावजूद भी आपकी कट ऑफ 110 से ऊपर गई है। तो कैंडिडेट ऐसा सोचकर ना आए बिल्कुल भी कि जैसे कि आपको वहाँ पे जाते ही सिलेक्शन हो जाएगा और वहाँ पे आपके बहुत सारे कम कैंडिडेट पहुँचेंगे। इसमें आपके मिनिमम कैंडिडेट की बात की जाए तो आपके 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट आपको मिलने वाले हैं, क्योंकि उस दिन एग्ज़ाम थी 28 तारीख की जो एग्ज़ाम थी उसमें बहुत सारी एग्ज़ाम एक साथ थी, जिसकी वजह से कैंडिडेट हर जगह नहीं पहुंच पाए। और ओनली जो जबलपुर की एग्ज़ाम है उसमें ओनली एक ही एग्ज़ाम है जबलपुर की, जिसके कारण वहाँ पर सभी कैंडिडेट आपके आने वाले हैं, जिसके कारण आपकी जो स्ट्रेंथ है वो आपकी 1500 से ज़्यादा ही आपकी पहुंचने वाली है। मिनिमम आपकी 1500 से ज़्यादा ही कैंडिडेट आपको देखने को मिलने वाले हैं।
पोस्ट हैं आपकी 84 पर पोस्ट पर 1500 से ज़्यादा कैंडिडेट मिलेंगे, लेकिन कैंडिडेट आपके बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड आ रहे हैं। स्किल्ड मतलब आपके पढ़े लिखे ज़्यादा होशियार कैंडिडेट उसमें आ रहे हैं, तो मिनिमम जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी माइनस मार्किंग होने के बावजूद आपकी 110 से ऊपर जा रही है, तो कैंडिडेट आप देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज आपकी जो SC ST की कैटेगरी है उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जा सकती है, उनकी कट ऑफ आपकी 90 के समथिंग रह सकती है। बाकी की अदर और OBC की कट ऑफ की बात करें तो आपकी कट ऑफ जाती है आपकी 110 के करीबन आपकी कट ऑफ जा रही है, जिसमें आपके स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं अहमदनगर वाली वैकेंसीज के लिए, जिनका कट ऑफ 110 OBC और अदर की कैंडिडेट के लिए गई है। 110 से ऊपर जिनका आपका स्कोर बन रहा था उन्हीं के स्किल टेस्ट के लिए एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट हैं एकदम बिल्कुल सोच समझ के आप एग्ज़ाम देने आएँ। कई कैंडिडेट बहुत काफ़ी दूर से 3 दिन का रास्ता पार करके यहाँ तक एग्ज़ाम देने आएंगे, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि उनका बिल्कुल तैयारी अच्छी होनी चाहिए तो ही आप एग्ज़ाम देने आएँ, नहीं तो आपको एग्ज़ाम देने न आने ही हमें फ़ायदा रहेगा। आपको 3 दिन का सफ़र आ करके यहाँ पहुँचेंगे और आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि कैंडिडेट कई ये सोच लेते हैं कि इसमें आपकी जो वैकेंसी थी अच्छी थी। दूसरी बात ये सोचते हैं कि फीमेल के कैंडिडेट हैं और आपकी वैकेंसीज के अलावा आपके ऑफलाइन फॉर्म थे तो फॉर्म बहुत ही कम गए होंगे, तो यह बिल्कुल भी नहीं है। आपके मिनिमम 2000 के करीबन आपके एडमिट कार्ड जारी किए गए हैं, तो आपके कैंडिडेट देख सकते हैं कैंडिडेट मिनिमम आपके 1500 से ज़्यादा ही कैंडिडेट मिनिमम आपके एग्ज़ाम देने के लिए पहुंचने वाले हैं। तो उसी हिसाब से आप दिमाग में लेकर चलिए, जो एग्ज़ाम के कैंडिडेट आ रहे हैं वो CGSL मतलब आपकी हाई लेवल ग्रेजुएशन लेवल की जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट इसका फॉर्म अप्लाई कर चुके हैं और वो है भी आपकी इस एग्ज़ाम को देने के लिए आ रहे हैं, उनके लिए ये पेपर तो बिल्कुल ही नॉर्मल होगा। वो मिनिमम आपके मार्क्स 110 से ऊपर ज़्यादा लेके आ जाते हैं, जिससे जो मिनिमम कम तैयारी करने वाले कैंडिडेट का सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होता है, जिसकी वजह से। और दूसरी बात, जो चंडी मंदिर की बात करें तो उसका रिजल्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है। वहाँ पे आपके जो कैंडिडेट आए थे उनका पेपर बिल्कुल नॉर्मल रहा है, तो वहाँ की मेरिट भी आपकी 110 से ऊपर ही आपको देखने को मिलने वाली है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस इसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे 25 नंबर की आपकी इसमें रीजनिंग रहती है, उसके बाद में आपके 25 नंबर की, उसके बाद में 50 नंबर का जनरल आंसर से जो GK रहता है, उसके बाद में 25-50 नंबर का आपका इसमें इंग्लिश रहता है, उसके बाद में न्यूमेरिकल आपका 25 नंबर का रहता है। यदि आपको इस चारों सब्जेक्ट की अच्छी पकड़ है और अच्छी तैयारी है तो ही आप एग्ज़ाम देने के लिए आप आना चाहिए, बाकी की फालतू में आप परेशान न हों। आपकी एग्ज़ाम बहुत ही टफ़ लेवल की रहती है, जो कि देखें अहमदनगर का पेपर देखें तो उसमें आपका टफ़ पेपर ही देखने को मिला था कैंडिडेट का, तो आप देख सकते हैं उस टफ़ पेपर में ही आपकी 110 मेरिट आपकी जा रही है। तो आप यदि अच्छी तैयारी है तो ही आप पेपर देने आ जाएं, तो इससे बेटर रहेगा, बाकी की आपकी मर्जी है, उसमें आप कैसे भी आ सकते हैं। जितने भी कैंडिडेट में फीमेल कैंडिडेट हैं, 3 दिन का सफ़र कई कैंडिडेट करके आने के लिए भी बात कर रहे थे कि काफ़ी दूर से सर हमारा एडमिट कार्ड आया है तो आपको हमें आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मैं आपको बता दिया, यदि आपकी तैयारी है तो ही आपके आना चाहिए। तुक्के पर आप न आए कि सर हमारा तुक्के लगा देंगे और उसमें हो जाएगा सिलेक्शन, तो बिल्कुल भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। जो भी कैंडिडेट मैं आपको बता दूं, कैंडिडेट बहुत ही ज़्यादा संख्या में आने वाले हैं और इंटेलिजेंट कैंडिडेट आपके आने वाले हैं, पोस्ट तो वही आपके लेके चले जाएंगे, आप देखते रह जाएंगे। तुक्के वाले आप बिल्कुल भी आप ना आए, मैं तो यही आपको कहना चाहूँगा। जितने भी कैंडिडेट बाहर से ऐसे मैसेज कर रहे थे कि सर हमारी तैयारी बहुत कम है और हमें तो सिलेबस का भी नहीं पता, तो हम आएँ कि नहीं आएँ एग्ज़ाम देने के लिए, तो उन कैंडिडेट के लिए मैं तो यही कहना चाहूँगा कि वो अपने हिसाब से ही आएँ। बाकी की मैं आपको बता दिया है कि आपके कैंडिडेट कैसे आपके इंटेलिजेंस कैंडिडेट वहाँ पे पहुँचते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी तैयारी करके आप आ सकते हैं। बाकी की आपके पेपर, प्रवेश पेपर और PDF की जो सिलेबस की PDF है वो कंप्लीट ऊपर भी उपलब्ध हैं, और साथ ही आपकी way2jobsite.com पर आपको उपलब्ध हैं। तो आपको कहाँ पे मिलेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ।
ये साइट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इस साइट पर जाकर आप वे टू जॉब सर्च डॉट कॉम सर्च मारेंगे आप गूगल पे, तो आपको आप साइट खुल जाएगा। उस पर आप जाके सर्च मार, जो 3 लाइन आपको देख रखी हैं इसमें स्टडी मटेरियल में आप क्लिक करेंगे तो आपको कंप्लीट जितने भी करंट अफेयर हैं या जो भी आपकी पीडीएफ है, प्रेस पेपर की पीडीएफ है, अदर इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, वो सारी आपको मिल जाएगी। वहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं, कंप्लीट पीडीएफ आपको उपलब्ध है। तो जितनी भी कैटेगरी की पीडीएफ है वो आपको वहाँ पे जाके मिल जाएंगी, तो कैंडिडेट वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जितने भी आपको लेटेस्ट जो जॉब वगैरह हैं उनके भी आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएंगी, और जो भी आपको लेटेस्ट आपकी जो भी पेपर्स वगैरह हुए हैं जो भी, उनके भी आपको वहाँ पे कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जाके चेक कर सकते हैं, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कंप्लीट पीडीएफ आपको मिल जाएंगी वहाँ पे जितनी भी हैं। और क्लिक करके पार्ट 1 पार्ट 2 जो भी इंग्लिश की हैं या हिंदी की हैं जो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, पूरी कंप्लीट पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध है।